solar eclipse. अरे रोशनी कहाँ चली गई? रात हो गई है क्या? नहीं डॉक्टर बाइनॉक्स, किसी ने सूरज को छिपा लिया है, मुझे तो डर लग रहा है। अरे चिंता मत करो, ये और कुछ नहीं बल्कि ग्रहण है। ये लो, ये चश्मा लगा लो। हेलो दोस्तों, यहां से जाने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूरज छिप गया है और अब यहां अंधेरा हो गया है। आपको पता है ये क्या है? चिंता मत करिए, ये और कुछ नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा। आ जाइए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है और चांद की परछाई धरती के कुछ हिस्सों पर पड़ती है। यहां से देखने से ऐसा लग रहा है कि सूरज पर अंधेरा छा गया है, क्योंकि चांद सूरज के मुकाबले काफी छोटा है तो यह उसके कुछ हिस्सों पर ही असर डालता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को धरती के हर हिस्से से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हीं जगहों से देखा जा सकता है जहां चांद की परछाई पड़ती है। तो दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर बाइनॉक्स, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के तीन मुख्य चरण होते हैं, जो हैं अम्ब्रा, एंट अम्ब्रा और पनम्ब्रा। अम्ब्रा चांद की परछाई का वो हिस्सा होता है जहां चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है और इस समय पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इसमें आप सूरज को बिल्कुल नहीं देख सकते। एंट अम्ब्रा अम्ब्रा के आगे का इलाका होता है, यहां चांद सूरज के बिल्कुल सामने होता है लेकिन पूरे सूरज को ढकता नहीं है। सूरज की बाहरी रेखा को चांद की परछाई के आसपास देखा जा सकता है और इसे कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पेनम्ब्रा परछाई का वो हिस्सा होता है जहां चांद का सिर्फ कुछ ही हिस्सा सूरज के सामने होता है और इस समय दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जहां आप देख पाते हैं सूरज का कुछ ही हिस्सा। आप अपने घर पर भी देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। ऐसी दो गेंदें लीजिए, बड़ी नीली गेंद धरती है और छोटी सफेद गेंद एक चांद की तरह है। इन्हें कुछ इस तरह से रखिए और इन पर टॉर्च की रोशनी डालिए। टॉर्च हमारा सूरज होगा। ये देखिए, ये आपके घर पर बन गया एक सूर्य ग्रहण, है ना ये कमाल का? ट्रिविया टाइम। दोस्तों, नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरनाक यूवी रेज होती हैं। सबसे लंबा या पूरा सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट तक देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब अगर दिन में अचानक से रात हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य ग्रहण लग गया। तो अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।